एक निवेदन आप सब से, ध्यान करिएगा, सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को, प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। दो या तीन प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे, निश्चित। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प, भगवान शिव को प्रदोष के प्रदोष बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा कर देना प्रारंभ। आप दीजिए, वो स्वीकार करेगा। विषम स्थिति में, विषम परिस्थिति में आपने सब दूर भटक लिए, सारी ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम नहीं गए, पत्रिका भी दिखाई, वास्तु भी कराया, सारा दुनिया का काम कराया, उसके बाद भी सुख की अनुभूति नहीं, तब देवाधिदेव महादेव की शरणागति पकड़ी। अपने भजन के बल को बढ़ाओ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो नाम तुम जपते हो उसको बढ़ाने का प्रयास करो। अब एक बात ध्यान रखेंगे, शिवजी का पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, सावन के सोमवार करे, उसके बाद भी भोलेनाथ जी नहीं सुने, तो ये मत सोचना कि मैं भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत नहीं करूँगी, अब मैं सावन के व्रत नहीं करूँगी, अब मैं भगवान की पूजन नहीं करूँगी, अब मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ाऊँगी, ये कभी मत सोचना। बल्कि ये सोचना कि मैंने जो आराधना करी, मैंने जो पूजन करी, मैंने जो व्रत करा, मैंने जो तप साधना करी, हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई हो, इसलिए दूसरी बार करूंगी, तब मेरा महादेव मेरी मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा, ये निश्चित कार्य। एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ, एक प्रबल दृढ़ता के साथ मेरे को, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को 50 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है गौ माता का एक छोटी सी चम्मच से भी आधा चम्मच, आधी चम्मच का भी आधा चम्मच, एक बूंद दूध भी गौ माता का, देसी गाय का जल में मिलाकर अगर शिवजी को समर्पित कर दोगे तो मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि 50 लीटर चढ़ाओगे, 100 लीटर चढ़ाओगे, 51 लीटर चढ़ाओगे, 108 लीटर चढ़ाओगे तो महादेव प्रसन्न होगा, ना ना ना। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुमको बहुत कीमती शिला की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत कीमती पत्थर पाषाण की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए सोने के आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो तुम किसी भी बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लो, उसको उसन लो और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर लो, मेरा महादेव 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेता है। वो 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर ले, 12 ज्योति, धन तुम्हारी, दौलत तुम्हारी, सत्ता तुम्हारा, वैभव तुम्हारी, संपदा सब तुम्हारे पास रखो, महादेव को कुछ नहीं चाहिए, महादेव को तो केवल इतना चाहिए कि तुम जिस समय उसके दिवालय में, उसके शिवालय में, उसकी कथा में, उसके सामने जब तुम आओ
तक तुम्हारे चेहरे पर केवल प्रसन्नता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। जहां पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, जहां पर पार्थिव शिवलिंग की पूजन होती है, महादेव की दृष्टि वहां पड़ती है। चंद्रदेव के सामने मेरे महादेव प्रकट हो गए। मांग चंद्र, चंद्र कहता है मैं आपके कैलाश पर आया था, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी। महादेव कहते हैं चंद्र, भूल से भी कोई अगर पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, पूजन कर लेता है, उसको कैलाश धाम, काशी धाम आने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है।